वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकला नहीं था आज तक, बल्कि छीना गया था। अरे ऐसा कौन है? है कोई, तुम भी जानती हो उसे, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त अंश। वो प्रोजेक्ट मुझसे किसी ने छीना था, और वो भी जानबूझकर। पर ऐसा कौन कर सकता है? यही आपका प्यारा पड़ोसी अंश। आस्था, मैं अब और नहीं सुन सकता, और मैं यहां पे कभी नहीं आऊंगा। अंश, अंश। ये क्या था? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? ऐसे लोगों से तरीके या सलीके से बात नहीं की जाती डैड, ये नाटक कर रहा था। मैं जानता था कि आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। आप लोगों को तो हमेशा मैं ही गलत लगता हूं ना। मैं जानता हूं तू ये सब क्यों कर रहा है, ताकि आस्था अंश के साथ काम नहीं करे। अब उसने तेरी बात नहीं मानी तो तूने इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं डैड। चिल्ला के बात मत कर मुझसे। अभी के अभी जा और अंश को जाके सॉरी बोलो। वो मुझे बर्बाद करे और मैं उसे जाके सॉरी बोलूं? नहीं डैड, मैं उसे सॉरी नहीं बोलूंगा। गुस्सा मत दिला मुझे, अभी के अभी जा और सॉरी बोल, वरना। आप कुछ भी कर लीजिए डैड, लेकिन इस जलील आदमी को सॉरी नहीं बोलूंगा मैं। ये लड़का पागल हो गया है। आज तो बाल बाल बच गए, जरा से भी गड़बड़ हो जाती तो सारा खेल बिगड़ जाता। लेकिन समझ में नहीं आ रहा करण को ऐसा कुछ बताया किसने। खैर जो भी हो, कम से कम उसे यह तो नहीं पता चला कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मैं उससे उसका काम नहीं, उसकी बीवी छीनना चाहता हूं, और उसे छीनने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। तुम कितना भी चिल्ला लो करण, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज देखा नहीं तुम्हारा पूरा परिवार मेरा किस तरह साथ दे रहा था? तुम चिल्लाए जा रहे थे इसने किया इसने किया इसने किया, पर कुछ सुन नहीं रहा था तुम्हारी। मैं तुम्हें इतना कमजोर और लाचार बना दूंगा, तुम्हारी इमेज को इतना बिगाड़ दूंगा कि आस्था तुमसे नफरत करने लगेगी और तुम्हें छोड़कर मेरे पास चली आएगी, मेरे पास। क्योंकि आस्था मेरी, सिर्फ मेरी। तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है अंश, मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब तुमने क्यों किया है। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आस्था, मैं अब और नहीं सुन सकता, और मैं यहां पे कभी नहीं आऊंगा। अंश, अंश। ये करण भी ना
गुस्से में कुछ भी बोल जाते, पर अंश अंश तो इतना सीधा साधा, इतना सिंपल लड़का है, उसे बहुत बुरा लगा होगा। करण को उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। क्या करूं? मैं अंश को फोन करके सॉरी बोल देती हूँ। आस्था का फोन, इस मौके का सही फायदा उठाना चाहिए। अंश का मैसेज, आस्था मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता, अभी मेरा मूड खराब है। अंश प्लीज दो मिनट बात कर लो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हेलो अंश, अंश मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ, करण को तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आस्था मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने नहीं की। आई एम रियली वेरी सॉरी अंश। एक बात बताओ आस्था, करण को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था, बल्कि मुझे लगता है कि वो शायद उस बात से नाराज है कि मैंने तुम्हें काम दिया। अंश तुम करण की बातों का बुरा मत मानो, वो गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं। जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद हम दोनों को बात नहीं करनी चाहिए, करण को बुरा लगेगा। अंश तुम प्लीज ऐसा मत कहो, मेरे दोस्त हो और तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, ये मेरा भी घर है। चलो ठीक है आस्था, तुम कह रही हो तो मैं जरूर इस बात को भूल जाऊंगा। प्लीज तुम करण को ये बोल देना कि आज के बाद मुझसे ऐसे बात ना करे। क्या कह रही थी आस्था? कि करण की बातों पे ध्यान मत देना। आस्था तुम करण की बातों पे ध्यान मत देना, बल्कि मैं तो कहूंगा ये करण पे ध्यान मत देना। नॉट अ गुड गाय, मुझे पता है तुम यही करने वाली हो, और फिर धीरे धीरे करण आउट एंड आई एम इन। आई लव यू आस्था। बल्लू जी, ये करण भी गुस्से में कहां चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा है। गलत है, ये गलत है। आप ही बताइए, इस तरह कोई इल्जाम लगा था किसी पे? करण का काम भी तो ठीक से नहीं चल रहा है ना, मुझे लगता है कि इसी टेंशन में वो ये सब कुछ कर रहा है। अरे अगर करण को टेंशन है तो इसमें अंश की क्या गलती है? अंश ने तो इतना अच्छा मौका दिया है आस्था को, आपको पता है ऐसे मौके के लिए बड़े बड़े सिंगर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अंश ने आस्था को चुना, करण ने क्या क्या नहीं बोल दिया उसे। अब अंश भला क्यों कुछ गलत करना चाहेगा करण के साथ? कोई बात नहीं बल्लू जी, मैं करण से बात करूंगी। आप समझा दीजिए उसे, वरना मैं अपने पे आया ना अपने तरीके से समझाऊंगा। नहीं नहीं बल्लू जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत दिखाइएगा, मैं बात करूंगी ना करण से। आप
आपने आज जो किया वो सही नहीं था करण। हाँ, और जो वो कर रहा है वो तो बिल्कुल सही कर रहा है ना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा आस्था। जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है वो ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अब जानते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको सारी दुनिया अपनी दुश्मन क्यों नजर आती है करण? क्यों पड़े आप अंश के पीछे इतना? खैर आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन कल जब अंश आएगा उसे सॉरी जरूर बोल दीजिए। अंश यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये मेरा भी घर। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है आस्था। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो जब वो आएगा तो आप उसके सामने मत आइएगा। आपको पता भी है उसे कितना बुरा फील हुआ? आपकी वजह से मुझे सॉरी बोलना पड़ा उसे। मेरी तरफ से तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये सब उसी ने किया। अभी तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन जब तुम्हें सच पता चलेगा ना तब देख। ऐसा कभी नहीं होगा करण। और आपको अंश से तभी से प्रॉब्लम है जब से उसने मुझे ये म्यूजिक एल्बम ऑफर की। मेरे सक्सेस से जेलस फील कर रहे हैं ना? बड़े बड़े आए और चले गए, तुमसे क्यों जेलस फील करूंगा मैं आस्था? एक बात है करण, आपने अपनी लाइफ में कुछ किया हो या ना किया हो अपना ईगो जरूर बड़ा किया है, पर आपके ईगो के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये क्या ईगो ईगो लगा के रखा हुआ है तुमने? तुम कहो तो ज्ञान, मैं कहूं तो ईगो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सिर्फ बोलना चाहती हो, सुनना नहीं चाहती। तुमसे बात करना ना वेस्ट ऑफ टाइम है। यार नींद नहीं आ रही है मुझे, लगता है बाहर जाके सोना पड़ेगा। नमस्ते मम्मी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी। और पापा? हाँ निशान वो तो सो रहा है, वो तो सोते ही रहता है आजकल। जी बाकी सब सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
ओके मम्मा बाय। क्या बात है पैम, सुबह सुबह किचन में? भाभी निशान के लिए कॉफी बना रही, वो ना खुद को आजकल राजा समझने लगा है। कहता है कि सुबह सुबह कॉफी पीकर ही उठूंगा, और तुम उसकी बात मान लेती हो? क्या करूं भाभी, अब शादी की है तो फंस गई हूं। देखिए ना भाभी, शादी से पहले वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता था, जो मैं कहती थी वही करता था, और अब तो बिल्कुल बदल गया। अब वो निशान रहा ही नहीं है। नहीं, निशान नहीं बदल सकता। पता है पहले भी वो बहुत मजाक करता था, पर जो भी कहो निशान दिल का बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत प्यार करता है। बस बस भाभी, आप उसके सामने उसकी तारीफ मत करना। अपनी तारीफ सुनते ही ना खुशी से फूल जाता है, उसे लगता है कि वो कॉमेडी का किंग है, और फिर वो कुछ भी कर देता है। भाभी वीर जी का मूड अब कैसा है? छोड़ो ना पैम, उनकी बात छोड़ो। लेकिन भाभी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीर जी को अंश से क्या प्रॉब्लम है? वो तो कितना अच्छा लड़का है। पैम, तुम्हारे वीर जी के दिमाग में एक बार कोई बात आ जाए ना, फिर वो आसानी से निकलती नहीं है। उन्हें कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे। भाभी अगर आप कहे तो मैं वीर जी से बात करूं? नहीं पैम, तुम इस चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हारे वीर जी का दिमाग ट्रैक पे तो आ ही जाएगा। चलिए ठीक है भाभी। वैसे भाभी वो आरव है ना, आपके बिना बहुत परेशान कर देता है। मैं कल कह रही थी उसे, बेटा थोड़ा खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन नहीं, कहता है बुआ पहले आप स्टोरी सुनाओ फिर ही खाना खाऊंगा। हाँ, उसे पता नहीं आजकल कौन सा शौक चढ़ा है स्टोरी सुनने का। पहले स्टोरी सुनता है, फिर खुद ही कुछ बना लेता है, और फिर मेरी सुनाई स्टोरी को दोबारा सुनाता है। फिर तुमने क्या किया, कोई स्टोरी सुनाई उसे? अरे नहीं भाभी, मैं तो फंस ही गई थी, तो अच्छा हुआ सही टाइम पर निशांत आ गया और मैं बच गई। निशांत ने कोई कहानी बनाकर उसे सुनाई और वो मान गया। वैसे आरव बहुत नॉटी हो गया है, मैंने कहा स्कूल के लिए रेडी हो जाओ तो कहता है नहीं पहले मेरा टिफिन बनाओ, उसके बिना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। भाभी आप आरव के लिए टिफिन बनाइए, मैं निशांत को कॉफी देकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग बल्लू जी। गुड मॉर्निंग बबली जी, कहाँ है आप, उस दिन के बाद दिखी नहीं। वो एक्चुअली ना मैंने आजकल ना योगा शुरू कर दिया है, तो बस वही करती रहती हूँ। वाओ, कहीं से सीखा है आपने? नहीं जी, इट्स वेरी द इजी, नो नीड टू सीखना। अब चलिए मैं करके दिखाती हूँ, है? देखा है ना? हाँ। समझे आपने? पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे क्या गुड गुड, करके दिखाइए अब आप। नहीं जी, मुझे योगा की जरूरत नहीं, आई एम फिट एंड फाइन। बिल्कुल जरूरत है आपको, चलिए करके दिखाइए। अरे अभी मैं जवान हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं, करके दिखाइए, चलिए चलिए। हाँ अब दूसरा। हाँ बस की बस बस जी, मुझे जरूरत नहीं, मैं एकदम जवान हूँ अभी तक। अरे योगा तो बच्चे बूढ़े जवान सारों ने करना है। खैर मैंने ये बताइए कि क्या आपने मेरी पेन से कुछ लिखा? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको इसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सोच क्या रहे हैं?
सुनाइए ना। हाँ जी, लिखा है, सुनाइए। सुनाता हूँ। पतंग कट जाएगी तेरी, कच्चा है तेरा मांझा। पतंग कट जाएगी तेरी, कच्चा है तेरा मांझा। डॉली जी मेरी हीर, ते मैं डॉली जी दा रांझा। कैसा लगा? अच्छा था ना? जब तक कटती नहीं मेरी पतंग, देती रहूंगी मैं ढील। जब तक कटती नहीं मेरी पतंग, देती रहूंगी मैं ढील। जस्ट चील चील, जस्ट चील। अब इसका जवाब जब रेडी रहे मैं फोन कर देना, मैं सुनने आ जाऊंगी। बाय। जस्ट चील चील, जस्ट चील चील चील, जस्ट चील। मेरा बिल फड़वा देगी। अच्छा आरव, बैठो यहाँ पे, बैठ के ये आपका होमवर्क करो। कितना सारा होमवर्क दिया है टीचर ने आपको, और आपको खेलना है? नहीं मामा, मुझे खेलने जाने दो ना। आरव, पहले होमवर्क करना है, आपको कहीं नहीं जाना है खेलने वेलने, ये फिनिश करना है। देखो ये सम सॉल्व करो। हाँ नहीं मामा। आरव देखो, मामा को नाराज नहीं करती। ओके ये लो। ये यहाँ पे, ये पकड़ो यहाँ पे और लिखो। आरव आपको पता है आपकी मम्मा ना बहुत स्मार्ट थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, आईआईटी भी टॉप किया था, पर अब देखो मम्मा को कुछ याद ही नहीं रहता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमेशा दूध पीना चाहिए। मम्मा मुझे भी चॉकलेट वाला दूध पीना। अच्छा, मेरा आरव चॉकलेट वाला दूध पिएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से ये होमवर्क खत्म करो, मैं आपके लिए चॉकलेट वाला दूध लेके आती हूँ। ओके अरे 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 अरे, क्या 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 बाबा जी? नहीं, मुझे लगा कुछ था। अच्छा चलिए शो कीजिए। शो कीजिए। हाँ, और ये इक्का दुक्का था। दो तीन पांच, पापा जी ये तो मेरे पत्ते थे ही नहीं, इक्का दुक्का तिक्का मेरे पत्ते थे। अरे इक्का दुक्का तिक्का तो मेरे पास है, तेरे पास कहाँ से आया? इतने बड़े बेईमान हो आप पापा जी। ओए, मैं कोई बेईमान नहीं हूँ। देख, हारने के बाद रोने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ